नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। मुजफ्फरनगर में बस सवार बुजुर्ग की दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड पर अज्ञात लोगों ने प्राइवेट बस में सवार एक बुजुर्ग को गोली मार दी। बुजुर्ग की घटना स्थल पर मौत, शव को भेजा गया जिला चिकित्सालय। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी ने ली पूरी जानकारी। वहीं दिन दहाड़े हत्याकांड से हड़कंप मच गया। शव की पहचान राधे श्याम निवासी मोरना के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र के रहने वाले राधे श्याम पुत्र शिवदत्त अर्धनारीश्वर धाम ट्रस्ट गांव इलाहाबाद शुक्र तीर्थ के संस्थापक भी रहे हैं। राधे श्याम मित्तल मोरना के वैश्य परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और खेती भी करते थे। राधे श्याम ने अपनी संतान न होने के कारण अपने छोटे भाई राकेश मित्तल के पुत्र को गोद लिया हुआ था। मुजफ्फरनगर के सदर बाजार स्थित अस्थायी निवास से रहकर मोरना में खेती बाड़ी व ट्रस्ट की देखभाल करते थे। आज मोरना से प्राइवेट बस वापसी में राधे श्याम को अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बस ड्राइवर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई जिससे हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर अस्पताल में एसएसपी व सीओ नई मंडी सहित कोतवाली पुलिस भी पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मौके पर परिजनों व ट्रस्ट के लोगों द्वारा जमावड़ा भी लगने लगा। मौके पर मृतक राधे श्याम मित्तल का गोद लिया बेटा सागर मित्तल भी पहुंचा। सागर मित्तल पैसे से शिक्षक है जो ड्यूटी पर थे। सूचना मिलते ही सागर जिला अस्पताल पहुंचे क्राइम ब्रांच SSI सुनील शर्मा सागर ने इससे पूछताछ करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। विशाल प्रजापति मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। देखिए, ये राधेश्याम नाम के व्यक्ति हैं जो कि मोरना के रहने वाले हैं। ये बस में जनपद मुजफ्फरनगर शहर की तरफ आ रहे थे तो इन्हीं की बस में व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके द्वारा इनको गोली मार दी गई है और यहाँ अस्पताल पहुँचने पर इनकी मृत्यु हो गई है। सारी चीज़ों में पुलिस जानकारी कर रही है, तफ्तीश कर रही है, हमारी टीम सभी लगी हुई है। बहुत जल्दी पता करा जाएगा कि इसकी किन कारणों से और किस व्यक्ति के द्वारा इनकी इनको गोली मारी गई है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की जा रही है। बहुत जल्दी इसमें आगे आपको बाकी डिटेल्स भी दी जाएगी। सर, पता लगा सर कौन है? वो सारी चीज़ें हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी तत्काल की घटना है, लगातार हमारी टीम यहाँ भी मौजूद है और जो घटनास्थल है वहाँ भी मौजूद है। सभी जगहों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसे ही घटना के बारे में आगे डिटेल्स मिलेंगी आपको बता दी जाएगी। थैंक यू जी। सर, आपका नाम? धीरज गर्ग। धीरज जी, क्या मामला? सर, मामले का तो मेरे को नहीं पता। मेरे पास तो फोन आया किसी का, दरोगा जी का, यहाँ से कि ऐसे ऐसे बात हुई है। मैं घटना पे आया बस। क्या मामला? क्या मामला कह नहीं सकते जी, क्या है, क्या घटना हो गई है? घटना ये बता रहे हैं, गोली मारी उनको। किसको मारी गई? राधे श्याम जी को, फूफा जी को मेरे। आपके फूफा जी? राधे श्याम जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? सदर बाजार। आपके फूफा जी सदर बाजार में रहते हैं जी? किस जगह सर? अशोक पैथोलॉजी लैब के पास। अच्छा, बताया था मोरने के रहने वाले हैं। मोरने के रहने वाले हैं, मोरने में इनका काम है, बाग वगैरह है। कौन सा काम है? मोरना। किस कैसा काम है? खेती बाड़ी का। अच्छा, किसान है जी। जी, तो काम के सिलसिले में मोरने भी जाते हैं जी? डेली आते जाते हैं। परिवार का रहता है? बाकी बाकी परिवार कुछ सदर बाजार में रहता है, बाकी एक भाई इनका व्यवहार रहता है। मोरना कोई रहता है? मोरना नहीं, मेरे हिसाब से कोई रहता। तो आज जो ये मोरना गए हुए थे किसी काम से गए हुए थे? काम से गए हुए होंगे। तो गोली कहाँ मारी गई? मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, अभी क्या हालत है? हालत बता रहे हैं कि खत्म हो चुके हैं। क्या किसी पे कोई शक वगैरह है? अभी तो नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम तो काफी दूर रहते हैं। जैसे आप अभी बता रहे हैं कोई धमकी वमकी भी मिली थी, हमने रिपोर्ट कर रखी है। नहीं सर, मेरे वो तो किसी का फोन आया था, वो के पास उनके फोन पे फोन आया था किसी का। आपके फूफा जी के? जी। क्या के कह रहे मंडी थाने में कोई रिपोर्ट कराई है? इस तरीके से फोन आया था। कितने दिन पुरानी बात है ये वाली? ये तो अभी जस्ट अभी आया था गोली मारने के बाद। क्या लगता है आपको, किसी को शक है? मैं तो नहीं कह सकता, वो उनके घर वाले परिवार वाले ही बताएंगे।